उधर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। अब से थोड़ी देर में यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है। उपचुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा के आवास पहुंच गए हैं सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी उनके आवास पर ही मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भी पहुंचने की सूचना मिल रही है। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी किस सीट से कौन हो इसको लेकर मंथन का दौर लगातार चल रहा है। आज दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि साफ दाव पर पार्टी की लगी हुई है। खासतौर पर हरियाणा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद अब यूपी में भी वैसा ही परचम लहराना है, वैसा ही प्रदर्शन करना है। 10 सीटों पर चुनाव होना है। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। किस सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, सारे समीकरणों को देखते हुए ही चुनावी मैदान में प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। कई आवेदक हर एक सीट से सामने आ रहे हैं, लेकिन किसको कहां से उतारना है इसका फैसला दिल्ली में होगा। अभी फिलहाल सीएम योगी जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है। राहुल, अब से थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा के आवास पर। देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद पहुंच चुके हैं, प्रदेश संगठन मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, उसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बैठक में पहुंच चुके हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। ये महत्वपूर्ण बैठक तमाम पहलुओं को लेकर के, यदि कहा जाए कि उपचुनाव को लेकर के कौन लड़ेगा, ये इसको लेकर के आज फाइनल भी हो जाएगा कि किसको टिकट यहाँ पर फाइनल किया जाएगा। और ये एक लिटमस टेस्ट कहा सकता है कि मौजूदा सरकार के लिए है कि लिटमस टेस्ट होगा कि आखिर में जब भी उपचुनाव होता है तो चुनाव के बारे में, उस चुनाव से ये पता चलता है कि आखिर में प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार के बारे में क्या सोचती है। और यही कारण है कि ये जो चुनाव है, ये जो आने वाला उपचुनाव है, दोनों के लिए साथ है। बिल्कुल राहुल, और क्राइटेरिया चाहे जो भी हो, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए हर एक सीट से। आप सही कह रही हैं कि जिताऊ कैंडिडेट ही होना चाहिए, और जिताऊ कैंडिडेट इसलिए भी होना चाहिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आपने मजबूती देखी थी समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए यहाँ पर बीजेपी के लिए भी ना। ठीक, आपसे थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।